जैसे इसे डबल क्लिक करूंगा ये पूरा कोड चल जाएगा और सारा फोल्डर बन जाएगा। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको अगर बहुत सारा फोल्डर बनाना हो, 1000, 5000 जितना भी फोल्डर बनाना हो आप बस एक सेकंड में बना सकते हो और वो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और आपको जो भी फोल्डर बनाना है, मतलब जो भी फोल्डर चाहिए उसका नाम आपको लिख लेना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि MR0001 और मुझे इस तरह का फोल्डर ही चाहिए। तो आपको जिसका भी फोल्डर बनाना होगा उसका नाम तो आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू डबल कोट MD स्पेस डबल कोट, उसके बाद आपको यहाँ पे N लिखना है और फिर आपको यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस लेना है जहाँ पे आपका फोल्डर का नाम लिखा हुआ है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा MD जो भी आपका फोल्डर का नाम है स्पेस के साथ, फिर आप इसको डबल क्लिक कर लो तो ये आपका कोड हो गया। ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको इसको लिखना है नोट पैड पे। तो मैं नोट पैड ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये बन गया मेरा कोड बस। अब आपको इसको सेव कर लेना है। मैं एक्सेल को हटा देता हूँ, ये मेरा हो गया, इसको मैं सेव करूँगा। तो मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। आपको जो भी नाम देना है इसका दे सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ सैम। उसके बाद आपको डॉट देना है और यहाँ पे लिखना है बैट, BAT बैट। तो आप जैसे इसको सेव करोगे तो ये बैट फाइल बन के सेव होगा। देखिए यहाँ पर ये बैड फाइल बनके सेव हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जैसे मैंने बोला आप एक सेकंड में बना सकते हो, आपको जहाँ भी फोल्डर बनाना है वहाँ पे ये बैड फाइल आपको रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये फोल्डर बनाना है, यहाँ पर मैं इस बैड फाइल को रख देता हूँ। अब मैं जैसे इसे डबल क्लिक करूँगा ये पूरा कोड चल जाएगा और सारा फोल्डर बन जाएगा। आप देख सकते हो जितना भी नाम मैंने लिखा था सारा फोल्डर बन चुका है यहाँ पर। अब जितनी बार ये बैड फाइल चलाओगे, जहाँ पर चलाओगे वहाँ पर ये सारा फोल्डर बन जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको इसको एडिट करना हो तो राइट क्लिक करके एडिट करके आप इसमें और भी नाम जोड़ सकते हो या इसको बदल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।